पापे की कहानियाँ मस्ती में बोलो। आज पापा और उसके दोस्त पार्क में हैं। वे स्कूटर पे रेस लगाने वाले हैं। उस पेड़ तक पहले पहुँचने वाला विजेता बनेगा। रेडी स्टेडी गो। ओ, मेरा पहिया निकल गया। अरे बाप रे। माफ कीजिए मिस्टर बोल, क्या आप मेरा स्कूटर ठीक करना जानते हैं प्लीज? ओ, हाँ मैं बिल्कुल जानता हूँ। स्कूटर के बारे में बहुत कुछ पता है मुझे। मिस्टर बुल स्कूटर के बारे में ज्यादा नहीं जानते। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, मैं स्कूटर ठीक करने में काफी माहिर हूँ। डैडी को स्कूटर्स के बारे में काफी जानकारी है। अच्छा, क्या आप हमारे साथ स्कूटर रेस लगाना चाहते हैं मिस्टर बुल? वैसे मुझे स्कूटर्स के बारे में इसलिए नहीं पता क्योंकि मैंने इन्हें पहले कभी चलाया नहीं है। लेकिन ये बहुत मजेदार है। हाँ, अब वाकई तेजी से जा सकते हो और ये पैदल जाने से कई बेहतर है। अरे वाह, सुनने में तो ये बड़ा ही मजेदार लग रहा है। हम आपको सिखाएंगे, बस एक पैर स्कूटर पर रखे और आगे बढ़े। ये देखिए ऐसे। काफी आसान लगता है। आगे बढ़ना ना भूलिए मिस्टर बोल। Hey, मुझे देखो, मैं तो स्कूटर चला रहा हूँ। Hey! हैंडल बार से मोड़िए। तुम्हारा मतलब है इस तरह? वी! मिस्टर बुल को स्पीड कम करना नहीं आता है। इसे कोई रोको। आपको ब्रेक का इस्तेमाल करना होगा मिस्टर बुल। ब्रेक? ये वाली? अरे वाह, मजा आ गया। मैं फिर से पहाड़ से नीचे आना चाहता हूँ। स्कूटर चलाने में पैदल चलने से तो ज्यादा ही मजा है। पापा और मिस्टर बुल पहाड़ी पर चढ़ चढ़ कर थक चुके हैं। ऊपर चढ़ने में उतरने से तो ज्यादा मेहनत लगती है। शायद मुझे दोबारा ढलान से नीचे जाना चाहिए। बढ़िया आइडिया है। मिस्टर बुल को स्कूटर चलाना बहुत अच्छा लगता है। सभी को स्कूटर चलाना बहुत अच्छा लगता है। आइसक्रीम शॉप में आपका स्वागत है। आज बहुत गर्मी है, इसलिए पेपा और जॉर्ज आइसक्रीम शॉप खेल रहे हैं। ये लीजिए मिस्टर डैडी पिग। शुक्रिया। आप क्या लेना चाहेंगे मिसेज मम्मी पिग? मुझे चाहिए एक बनाना स्प्लिट प्लीज। अरे वाह, बनाना स्प्लिट क्या होता है ग्रैनी? ये एक तरह की मिठाई है। सबसे पहले हम एक केले को आधा काटते हैं। नाना। उसके बाद हम आइसक्रीम, चेरी और व्हिप्ड क्रीम को मिलाते हैं। जॉर्ज को आइसक्रीम डालना पसंद है। संभल के केले को कुचल मत देना। और पेपा को व्हिप्ड क्रीम डालना बहुत अच्छा लगता है। ऊपर चेरी रखना मत भूलना। ये रहा आपका बनाना स्प्लिट मिसेज मम्मी पिग। ये तो जायकेदार लग रहा है। प्लीज, क्या मुझे निकर बॉकर ग्लोरी मिल सकती है? एक नौके नौरी? वो क्या होती है मैडम? ये एक तरह की आइसक्रीम संडे है। क्या आप इन्हें केवल संडे को ही खा सकते हैं? उस तरह का संडे नहीं, ये आप कभी भी खा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। हमें चाहिए आइसक्रीम, फ्रूट, मरेंग और क्रीम। पेपा और जॉर्ज ये सारी चीजें ग्लास में डाल देते हैं।
अब आप टॉप को सजा सकते हैं। फिर उसे सजाया जाता है वेफर्स, रंगीन स्प्रिंकल्स और सॉस डालकर। लीजिए, हो गया मैडम। ये तो गजब का लग रहा है। अब जब सबको आइसक्रीम मिल गई है तो आप दोनों किस तरह की आइसक्रीम पसंद करेंगे? एक रेनबो जैसी। रेनबो। पेपा और जॉर्ज खूब सारी रंग बिरंगी आइसक्रीम का इस्तेमाल करते हैं। गुलाबी स्ट्रॉबेरी के लिए, ब्राउन चॉकलेट के लिए, पीला बनाना के लिए। फिर वो अपनी टॉपिंग्स लगाते हैं। चलो इन सबको मिला देते हैं। पेपा और जॉर्ज ने सारे रंग एक साथ मिला दिए हैं। हमने तो कीचड़ भरा गड्ढा बना दिया। ये रेनबो आइसक्रीम नहीं है। मुझे अफसोस है कि हमारे पास अब और आइसक्रीम नहीं बची है। हमारे पास है तो बस वेनिला। मुझे बहुत पसंद है। पेपा और जॉर्ज को खास आइसक्रीम्स बनाना अच्छा लगता है, पर वेनिला आइसक्रीम उन्हें सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। आज पेपा और जॉर्ज कुछ पुराने बक्से साफ करने में डैडी पिग की मदद कर रहे हैं। ये क्या है डैडी? ये मेरा पुराना भरोसेमंद कैमरा है पेपा। तस्वीर लेने के लिए आपको बटन दबाना पड़ता है और इससे फोटो प्रिंट हो जाती है। देखो, मैं देख पा रही हूँ। क्या मैं कर सकती हूँ प्लीज? बोलो चीज। चीज। अब पेपा कैमरे से तस्वीरें ले रही है। ये कैमरा वाकई मजेदार है। मजे करो, लेकिन फोटो पेपर ज्यादा नहीं बचे हैं, इसलिए सोच समझ कर इस्तेमाल करना। जॉर्ज को बहुत सारी तस्वीरें लेने में मजा आता है। अरे बाप रे, लगता है फोटो पेपर तो खत्म हो गया। लेकिन मुझे तस्वीरें लेना बहुत अच्छा लगता है। क्यों ना इसकी जगह मेरे फोन के कैमरे का इस्तेमाल करें? इससे किसी भी फोटो में फिल्टर भी लगाया जा सकता है। डैडी पिग के फोन के कैमरे से जॉर्ज को नकली मूछें लगा दी गई हैं। आओ जॉर्ज, चलो और तस्वीरें लेते हैं। पेपा और जॉर्ज को तस्वीरें लेने में बहुत मजा आ रहा है। फोन के कैमरे ने मम्मी पिग पर फूलों वाला फिल्टर लगा दिया है। बोलो चीज। और ग्रैंडपा पिग को फिल्टर से बहुत अच्छी टोपी लगा दी गई है। पेपा, जॉर्ज और डैडी पिग और ज्यादा तस्वीरें लेने के लिए पार्क में आ गए हैं। हेलो मिस्टर और मिसेस चिड़िया। बोलो चीज मिस्टर बॉल। कितना मजेदार फोटो है। डैडी पिग बतखों के पास पेपा और जॉर्ज के साथ एक फोटो लेना चाहते हैं। सभी लोग चीज कहना। एक, दो, तीन, चीज। पेपा और जॉर्ज दिन भर ली गई सारी फोटोज को एक स्क्रैप बुक में चिपका रहे हैं। ये वाला देखो जॉर्ज। लेकिन कुछ फोटोज धुंधली है। ये जरूरी नहीं कि फोटोज बेहतरीन हो, जरूरी ये है कि वो बस आपको प्यारे से दिन की याद दिलाए। सभी को फोटोज लेना बहुत अच्छा लगता है और आज सभी का दिन बहुत अच्छे से गुजरा है। पेपा और उसकी फैमिली ने सुपरमार्केट से बहुत सारा खाना खरीदा है और अब उनके पेट में काफी गुड़गुड़ाहट हो रही है। डिनर में क्या है? मेरे पेट से काफी आवाजें आ रही हैं। आज रात हम बनाने वाले हैं टैकोस। ये क्या होता है टैको और इसे कैसे बनाते हैं? ये जायकेदार खाना है मेक्सिको का, और टैकोस बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि सब साथ मिलकर बनाएं। पेपा, जॉर्ज और मम्मी पिग अपने टैकोस बनाने के लिए सब्जियों को धो रहे हैं। हमें ख्याल रखना है कि सब्जियां अच्छी तरह से साफ हो गई हो। छप छप छपाक छप, सब्जियां कर लो साफ। छप छप छपाक छप, सब्जियां कर लो साफ।
अब पेपा और मम्मी पिग भी धुल के साफ सुथरे हो गए हैं। सब्जियां साफ हो गई है, अब हम सावधानी से प्याज काट सकते हैं। ये लीजिए डैडी। क्या हुआ डैडी, क्या आपको प्याज पसंद नहीं है? ओ चिंता मत करो पेपा, प्याज के रस से कभी कभी आंखों में पानी आ जाता है। मुझे बस अपनी आंखों को ढकने के लिए कुछ चाहिए। मुझे पता है। ओ, पेपा अपनी आंखों को प्याज से बचाने का सही तरीका जानती है। ये बेहतरीन है पेपा। फिर से प्याज डैडी पिग। अब हम थोड़ी से गुआकामोल बनाएंगे। अरे वाह, मुझे गुआकामोल पसंद है। तो फिर तुम एवोकाडो को मैश कर सकती हो पेपा। पेपा को एवोकाडो को मैश करना अच्छा लगता है, इसमें उथल पुथल करने में बहुत मजा आता है। शायद आराम से कोशिश करनी चाहिए पेपा। बढ़िया, अब चलो हम बाकी चीजों को मिलाते हैं। और सबसे खास बात, नींबू को निचोड़ कर मिलाते हैं। ठीक है जॉर्ज, तुम ये खास काम कर सकते हो। ओ, ये तो अच्छा हुआ कि मैंने अपने सुरक्षा चश्मे पहने हुए। सब सामग्री तैयार हो चुकी है, अब समय है इनसे टाकोस बनाने का। अब सबसे ज्यादा मजेदार बात, अपना टॉर्टिया लें कुछ इस तरह, और अब अपनी पसंदीदा चीजें डालो। पेपा को बहुत सारा गुआकामोली से भरा टाकोस पसंद है। जॉर्ज को अपने टाकोस में कुछ भी नहीं पसंद है। मम्मी और डैडी पिग को अपने टाकोस में सब कुछ पसंद है। सभी को टाकोस बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन सभी की फिलिंग गिर गई है। अरे वाह, अब हम इन सबको फिर से एक साथ डाल सकते हैं। यामी मजेदार खाना। आज क्रूज पर पेपा और उसकी फैमिली एक खास तरह की रेस्टोरेंट में है। ये एक खास किस्म का रेस्टोरेंट है जिसे कहा जाता है बुफे। बस एक प्लेट लो और जो आप खाना चाहते हो उसे ले लो, मजे करो। अरे वाह, रेस्टोरेंट के बुफे में चुनने के लिए काफी अलग अलग तरह की खाने पीने की चीजें हैं। तुम क्या खाना पसंद करोगी पेपा? स्पेगेटी मेरी पसंदीदा है। वो तो ठीक है, लेकिन हमें इतना ज्यादा नहीं लेना चाहिए। हम कभी भी वापस आकर कुछ और ले सकते हैं। ओ, बड़ी आइडिया है। और आप क्या चाहेंगे जॉर्ज? जूस। तो प्यास लगी है तुम्हें? मुझे लगता है हम संतरे का जूस निकाल सकते हैं। अब ये क्या हो रहा है? संतरे का जूस निकालने वाली मशीन बहुत तेज शोर करती है, और इसके बावजूद इसने संतरे का ज्यादा जूस भी नहीं निकाला है। जूस, हमें थोड़ा सा जूस और निकालना होगा। स्वादिष्ट, मैं इंतजार नहीं करता। तुम्हें भूख लगी थी पेपा। क्या अब मुझे थोड़ा सा और मिल सकता है? बेशक, चलो चलते हैं। अरे वाह, ग्रैंडपा पिग अभी भी जॉर्ज के लिए एक कप संतरे का जूस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अरे रे, क्या हमें और संतरे मिल सकते हैं मिस रैबिट? अभी लाई। पेपा को एक काफी खास पैनकेक मशीन मिल गई है। बस एक पैनकेक बना दीजिए मिस्टर रोबोट। मैं कभी भी वापस आकर और ले सकती हूँ। शानदार। क्रैनी पिग अपनी स्पेगेटी खाने के लिए काफी उत्साहित है। खत्म, शुक्रिया पैनकेक रोबोट। पर अब पेपा को भी प्यास लगी है। क्या मुझे भी थोड़ा सा जूस मिल सकता है ग्रैनी पिग? हाँ बेशक, ग्रैंडपा पिग जूस ला सकते हैं, लेकिन पता नहीं उन्हें इतना समय क्यों लग रहा है। ग्रैंडपा पिग ने आखिरकार एक कप संतरे का जूस बना ही लिया है। असल में ग्रैंडपा पिग ने संतरे के जूस के काफी सारे कप तैयार कर लिए हैं। मशीन ने आखिरकार संतरे का जूस बनाना बंद कर दिया है।
अजीब से ग्रैंडपा, आपको इतना जूस बनाने की जरूरत नहीं थी। आप कभी भी वापस आकर और ले सकते हैं। पेपा को बुफे रेस्टोरेंट काफी अच्छा लगता है और जॉर्ज को संतरे का जूस बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया लग रहे हैं ना पेपा? डैडी, हम जॉर्ज के लिए जूते ले रहे हैं, आपके लिए नहीं। आज जॉर्ज कुछ नए जूते ले रहा है। हेलो मिस रैबिट, हमें जॉर्ज के लिए कुछ नए जूते लेने हैं। जॉर्ज के जूते काफी पुराने हैं। आप लकी हो, यहाँ काफी सारे जूते हैं। हम जॉर्ज के लिए सही जूते ढूंढ लेंगे। पहले हम तुम्हारे पैरों का नाप लेंगे। इस नाप लेने वाली मशीन में अपना पैर डालो प्लीज। मिस रैबिट जॉर्ज के पैरों का नाप ले रही है ताकि वो उसे सही आकार के जूते ढूंढ कर दे सके। तुम्हारे पैर बहुत छोटे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जॉर्ज एक बच्चा है। जॉर्ज कोई बच्चा नहीं है। मेरे पीछे आओ। हम अपने सारे छोटी साइज वाले जूते यहाँ रखते हैं। तुम्हें कौन से जूते अच्छे लग रहे हैं जॉर्ज? जूते। वो है बोलिंग शूज। जॉर्ज को बोलिंग करना अच्छा लगता है और उसे बोलिंग शूज बहुत पसंद है। क्या तुम्हें वाकई में ये जूते चाहिए जॉर्ज? जूते, जूते। ये टैप डांसिंग वाले जूते हैं। ये बहुत शोर कर रहे हैं। क्या कहा? जॉर्ज को खूब सारा शोर मचाना अच्छा लगता है। शायद ज्यादा ही शोर वाले। जूते। ये जोकर वाले जूते हैं। जॉर्ज को जोकर वाले जूते बहुत पसंद हैं। ये काफी बड़े हैं, पर जॉर्ज काफी छोटा है। जूते, जूते। जॉर्ज बहुत सारे जूते ट्राई करता है। लंबे जूते, छोटे जूते, यहाँ तक कि अजीब से जूते भी, लेकिन उनमें से कोई भी सही नहीं लगता। जूते। ये चप्पल है जॉर्ज, ये जूते नहीं है। जूते। ये बिल्कुल तुम्हारे पुराने जूते जैसे हैं। जूते। जॉर्ज को ऐसे जूते पसंद आए जो बिल्कुल उसके पुराने जूतों जैसे हैं। बहुत अच्छे, हम ये वाले लेंगे मिस रैबिट। मिस रैबिट, मैं यहाँ अंदर हूँ। जॉर्ज को अपने नए जूते बहुत पसंद है और उसे जूतों की दुकान भी बहुत पसंद है। सभी को जूतों की दुकान बहुत पसंद है। आज पेपा और उसकी फैमिली सुपरमार्केट में है। सुपरमार्केट के बाहर खिलौनों वाली मशीन लगी हुई है। मैंडी माउस को एक खिलौना मिला है। देखो मम्मी, एक यो-यो। शाबाश मैंडी। पेपा, जॉर्ज, क्या तुम्हें खिलौने वाली मशीन पर जाना है? हाँ प्लीज। ये कैसे चलती है मिस रैबिट? बस एक टोकन खरीदो और इसे स्टॉल में डाल दो, फिर एक गेंद मशीन के निचले हिस्से तक लुढ़कती जाती है और अंदर एक गजब का खास खिलौना होता है। डायनासोर। जॉर्ज को डायनासोर वाला खिलौना चाहिए। अरे वाह, तुम सब एक एक बार कोशिश कर सकती हो। ये लो कोशिश करो। जॉर्ज के टोकन से मशीन में रोशनी होती है और म्यूजिक बजने लगता है। गेंद पूरी तरह नीचे तक लुढ़कती हुई जाती है। जॉर्ज को खिलौने वाला स्क्रू ड्राइवर मिला है। एक स्क्रू ड्राइवर काम की चीज है। डायनासोर। चिंता मत करो जॉर्ज, मैं डायनासोर भी लाने की कोशिश करूंगी। अब पेपा के टोकन से मशीन में रोशनी होती है और दूसरी गेंद लुढ़कते हुए नीचे की ओर आ जाती है। पेपा को डायनासोर नहीं मिला, लेकिन उसे कुछ बहुत अच्छे स्टिकर्स मिले हैं। डायनासोर।
तुम्हें कितने प्यारे खिलौने मिले हैं। लेकिन देखो हमारी आइसक्रीम पिघलने लगी है। बस मिल नहीं वाला था। मुझे लगता है कि डायनासोर अगली बार तुम्हें जरूर मिलेगा। प्लीज क्या हम एक बार और कोशिश कर सकते हैं मम्मी? प्लीज। अच्छा ठीक है, एक और कोशिश करो। पेपा और जॉर्ज मिलकर खिलौने वाली मशीन का लीवर खींचते हैं, लेकिन इस बार एक भी गेंद नहीं निकली। अरे रे, मैं देखना चाहती थी तुम्हें कौन सा खिलौना मिलेगा। चिंता ना करें मम्मी पिग, मैं इसे ठीक कर दूंगी। मुझे बस अपना स्क्रू ड्राइवर चाहिए। नहीं नहीं, शुक्रिया जॉर्ज। मिस रैबिट ने मशीन को कुछ ज्यादा ही ठीक कर दिया है। अब सारी गेंदें बाहर गिर पड़ी है। अच्छा होगा मैं इन्हें वापस रख दूं। लेकिन तुम्हें ये मिलता है मशीन ठीक करने में मेरी मदद करने के लिए। डायनासोर। शुक्रिया मिस रैबिट, ये आपके लिए। सभी को खिलौने वाली मशीन अच्छी लगती है और जॉर्ज को डायनासोर वाकई अच्छे लगते हैं। आज पेपा और जॉर्ज फन फेयर में आए हैं। हाय पेपा, क्या तुम अब तक फन हाउस में जा चुकी हो? फन हाउस क्या होता है? ये खास तरह का फन फेयर हाउस होता है जिसमें खूब सारे मस्त और मजाकिया कमरे होते हैं। क्या मैं और जॉर्ज फन हाउस में जा सकते हैं? प्लीज प्लीज। हेलो मिस रैबिट, फन हाउस के लिए दो टिकट प्लीज। फन हाउस में जाने के लिए मम्मी पिग को मिस रैबिट से टोकन खरीदने होंगे, लेकिन टोकन की कीमत मम्मी पिग की सोच से कहीं ज्यादा थी। शुक्रिया मम्मी पिग, इधर से जाइए। अरे वाह, ये डावाडोल पुल है। फन हाउस के बाकी हिस्सों को देखने के लिए इस पर से जाओ। पेपा पुल को काफी धीरे से और सावधानी से पार कर रही है, लेकिन जॉर्ज को तेजी से करने में मजा आ रहा है। तुम्हारा तरीका काफी बेहतर है जॉर्ज। बहुत अच्छे, अब तुम्हें फॉलो करना होगा इन तीरों को। इस तरफ जॉर्ज। ये शीशे काफी हिलते डुलते हैं। फन हाउस के शीशों में पेपा और जॉर्ज वाकई अजीब दिख रहे हैं। इस शीशे में मैं कितनी लंबी दिख रही हूँ, और इसमें तुम्हारा सिर काफी बड़ा दिख रहा है जॉर्ज। और इसमें तुम दिख रहे हो एकदम गोल गोल। और इस शीशे में मैं लग रही हूँ बिल्कुल मिस रैबिट। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हूँ मिस रैबिट। मेरे पीछे पीछे घुमावदार सुरंग तक आओ। फन हाउस की सुरंग गोल गोल घूमती है और इसमें तेज हवा भी चल रही है। देखो सुरंग खत्म होने के बाद हमें स्लाइड से नीचे जाना है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी जॉर्ज। पता नहीं इन्हें इतना समय क्यों लग रहा है, कहीं ये खो तो नहीं गए? तुमको कैसा लगा? फन हाउस तो काफी मजेदार था। बहुत बढ़िया, सभी को फन हाउस बहुत अच्छा लगता है क्योंकि फन हाउस वाकई मजेदार है। आज पेपा और उसकी फैमिली आर्केड जा रही है। बहुत खूब, तुम्हें मिला है हाई स्कोर। ऐसा इसलिए है क्योंकि पेपा और मैं इन सभी खेलों में माहिर हैं। इन सभी टोकन्स को देखो पेपा, यदि ऐसे बहुत सारे इकट्ठा कर लिए तो इनके बदले तुम्हें बड़ा सा इनाम मिल सकता है। बहुत खूब, एक इनाम।
देखो इतने सारे टोकन्स। क्या हम उस खेल को और ज्यादा खेल सकते हैं? क्यों नहीं पापा? मम्मी पिग पेपा को कैरेट बॉब खेलना सिखा रही है। जब भी वे पॉप अप करते हैं तो वो कैरेट को मारती है। जोर से मारो, जोर से मारो। क्या तुम दोनों करना चाहोगी? हाँ जरूर। जोर से मारो, जोर से मारो, जोर से मारो। और ज्यादा टोकन? क्या इसका मतलब है कि हम वाकई बड़ा इनाम पा सकते हैं डैडी? डैडी? डैडी पिग डांसिंग गेम खेल रहे हैं। डैडी पिग को डांस करना बहुत पसंद है। जानते हो, मैं तो डांस में बहुत माहिर हूँ। तुम्हारी बारी पेपा। वाह! ओह, मजेदार था। लेकिन क्या कोई ऐसा खेल है जिसे हम मिलकर खेल सकते हैं? हाँ, एक खेल है। पेपा और उसकी फैमिली गुब्बारे वाला खेल खेल रहे हैं। जो पहले अपने गुब्बारे में पानी भरेगा वो जीत जाएगा। स्कोर मिला? हाँ, तुम्हें इतना हाई स्कोर मिला है कि तुमने जीत लिया है जैकपॉट। अब अपने सारे टोकन्स को ट्रेड करके तुम्हें मिलेगा बड़ा सा इनाम। अरे वाह, चलो चलते हैं। हेलो अगेन पापा। यह हमारे सभी टोकन है, क्या हमें हमारा इनाम मिल सकता है? बिल्कुल, इन सारे टोकन से तुम पा सकती हो एक अनोखा, बिल्कुल खास, अलग तरह का इनाम। पेंसिल। अरे वाह, पेंसिल। पेपा को आर्केड में अपनी फैमिली के साथ ढेर सारे टोकन जीतना अच्छा लगता है, और पेपा को अपनी नई पेंसिल वाकई बहुत अच्छी लगती है। आज पेपा और जॉर्ज कुछ पुराने बक्से साफ करने में डैडी पिग की मदद कर रहे हैं। ये क्या है डैडी? ये मेरा पुराना भरोसेमंद कैमरा है पेपा। तस्वीर लेने के लिए आपको बटन दबाना पड़ता है और इससे फोटो प्रिंट हो जाती है। देखो, मैं देख पा रही हूँ। क्या मैं कर सकती हूँ प्लीज? बोलो चीज। चीज। अब पेपा कैमरे से तस्वीरें ले रही है। ये कैमरा वाकई मजेदार है। मजे करो, लेकिन फोटो पेपर ज्यादा नहीं बचे हैं, इसलिए सोच समझ कर इस्तेमाल करना। जॉर्ज को बहुत सारी तस्वीरें लेने में मजा आता है। अरे बाप रे, लगता है फोटो पेपर तो खत्म हो गया। लेकिन मुझे तस्वीरें लेना बहुत अच्छा लगता है। क्यों ना इसकी जगह मेरे फोन के कैमरे का इस्तेमाल करें? इससे किसी भी फोटो में फिल्टर भी लगाया जा सकता है। डैडी पिग के फोन के कैमरे से जॉर्ज को नकली मूछें लगा दी गई हैं। आओ जॉर्ज, चलो और तस्वीरें लेते हैं। पेपा और जॉर्ज को तस्वीरें लेने में बहुत मजा आ रहा है। फोन के कैमरे ने मम्मी पिग पर फूलों वाला फिल्टर लगा दिया है। बोलो चीज। और ग्रैंडपा पिग को फिल्टर से बहुत अच्छी टोपी लगा दी गई है। पेपा, जॉर्ज और डैडी पिग और ज्यादा तस्वीरें लेने के लिए पार्क में आ गए हैं। हेलो मिस्टर और मिसेस चिड़िया। बोलो चीज मिस्टर बॉय। इतना मजेदार फोटो है। डैडी पिग बतखों के पास पेपा और जॉर्ज के साथ एक फोटो लेना चाहते हैं। सभी लोग चीज कहना। एक, दो, तीन, चीज। पेपा और जॉर्ज दिन भर ली गई सारी फोटोज को एक स्क्रैप बुक में चिपका रहे हैं। ये वाला देखो जॉर्ज। लेकिन कुछ फोटोज धुंधली है। ओह,
ये जरूरी नहीं कि फोटोज बेहतरीन हो, जरूरी ये है कि वो बस आपको प्यारे से दिन की याद दिलाए। सभी को फोटोज लेना बहुत अच्छा लगता है और आज सभी का दिन बहुत अच्छे से गुजरा है। पेपा और सूजी पुलिस ऑफिसर्स बनने का नाटक कर रहे हैं। पुलिस, हम आपकी मदद करेंगे। शुक्रिया पुलिस ऑफिसर्स। आपका स्वागत है। अब हमें अपराधों को सुलझाने के लिए वापस आना होगा। अरे ये क्या है मैडम गजेल? मुझे लगता है मेरा खास पेन कहीं खो गया है। ये तो रहस्य जैसा लगता है। परेशान ना हो, मैं और पुलिस ऑफिसर सूजी इस केस को सुलझाएंगे। पेपा और सूजी खास पेन तलाशने के लिए सुराग ढूंढ रहे हैं। वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे छोटी छोटी चीजें बड़ी दिखती है। आहा, बैंगनी। वो बिल्कुल ऐसा ही रंग है जैसा डैनी डॉग की टी शर्ट है। क्या तुमने उस खास पेन को देखा है डैनी? लगता तो नहीं, मैंने देखा है। ठीक है, बेहतर होगा कि हम आपको पुलिस स्टेशन ले जाकर कुछ सवाल पूछें। पेपा और सूजी ने एक नकली पुलिस स्टेशन बनाया है ताकि वो सभी से लापता पेन के बारे में सवाल पूछ सके। ये किताबों और तकियों से बना है। इस पुलिस स्टेशन में तो दरवाजे भी नहीं हैं, लेकिन पढ़ने के लिए ये जगह बढ़िया है। पेपा और सूजी सभी से खास पेन के बारे में पूछ रहे हैं। वो कैंडी कैट को नकली पुलिस स्टेशन ले आए हैं। कैंडी कैट, क्या तुम याद करके बता सकती हो कि वो खास पेन किस रंग का है? लाल नहीं, हरा। दरअसल गुलाबी नहीं, नीला। हाँ, तुम तो बड़ी मददगार हो। चलो चारों तरफ बारीकी से देखे। मैडम गजेल का खास नीला पेन यही कहीं होना चाहिए। पेपा और सूजी शीप खास पेन को हर जगह तलाश रहे हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिल रही है। मुझे तो वो यहाँ कहीं नहीं मिला। मेरे पास एक आइडिया है। अब मैडम गजेल नकली पुलिस स्टेशन में सवालों का जवाब दे रही है। आपने अपने पेन को आखिरी बार कब देखा था मैडम गजेल? देखो, बात ऐसी है, आज सुबह मैंने पेन इस्तेमाल किया था, फिर मैंने उसे अपने कान के पीछे लगा लिया। अरे मैडम गजेल का खास पेन उन्हीं के कान के पीछे रखा हुआ था। हमने इसे ढूंढ लिया। हमने राज सुलझा लिया। अरे मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया पेपा और सूजी। मुझे लगता है कि तुम दोनों बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर बनोगे। आज पेपा और उसके दोस्त वाटर पार्क में हैं। हेलो बच्चों। हेलो मिस एवरेट। आप लोग स्विमिंग जाओ इसके पहले मैं आपको कुछ जरूरी नियम सिखाना चाहूंगी। मिस रैबिट सभी को स्विमिंग पूल में सुरक्षित रहने के तरीके बता रही है। पहला नियम है कोई छींटाकशी नहीं। छींटाकशी ना करें मिस्टर बोल। ओह सॉरी पेपा, सॉरी मिस रैबिट। कोई बात नहीं मिस्टर बोल। दूसरा नियम है कोई दौड़ा भागी नहीं। बुरी बात मिस्टर बुल, दौड़ा भागी नहीं। फिर से सॉरी। मिस्टर बुल को कोई भी नियम नहीं पता। और आखिरी नियम है सभी शानदार समय बिताएं। आपका समय शानदार बीते मिस्टर बुल। सही कहा पेपा। पूल के मजे लो बच्चों। हम सबसे पहले क्या करें? चलो वाटर स्लाइड पे चलते हैं। हुरे! सभी वाटर स्लाइड राइड के लिए काफी जोश में हैं। हेलो फिर से, कौन स्लाइड से नीचे जाना चाहता है? मैं। तुम लकी हो,
हर एक के लिए एक एक स्लाइड है। चलो रेस करते हैं। बढ़िया आइडिया, लकी हो कि मैं झंडा लाई हूँ। ऑन योर मार्क गेट सेट गो। और डैनी डॉग सबसे आगे, साथ साथ है पेपा, उसके बाद जिरल जिराफ और सूजी शीप पीछे आती हुई। कोई भी जीत सकता है वाटर स्लाइड रेसिंग अपने बेहतरीन पड़ाव पर। हेलो ग्रैनी। हेलो मिस्टर पॉल। वो करीब करीब फिनिश लाइन पर है। ये कांटे की टक्कर है, कौन करेगा टॉप? ये टाई हो गई, सभी जीत गए। पेपा और उसके दोस्तों को स्लाइड बहुत पसंद आई, लेकिन वाटर पार्क का पहला नियम वो भूल गए हैं। कोई छीना किसी नहीं। आज पेपा और उसका प्ले ग्रुप एक जूस फैक्ट्री में है। वे सीख रहे हैं कि जूस कैसे बनाते हैं। और ये फल निचोड़ने की मशीन है, ये संतरे से सारा जूस निचोड़ लेती है। क्या मैं संतरे निचोड़ने की कोशिश कर सकती हूँ मिस रैबिट? बेशक, तुम सभी कोशिश कर सकते हो। सभी को संतरे निचोड़ने में बहुत मजा आ रहा है, लेकिन ये काफी मुश्किल काम है। मेरे हाथ थक चुके हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास अगली चीज जूस स्टॉपर है। स्ट्रॉबेरी से सारा जूस निकालने के लिए स्टॉम्पर में बड़े बड़े बूट्स होते हैं। ओह, क्या मैं पैरों से दबा सकती हूँ मिस रैबिट? हाँ, हर कोई कोशिश कर सकता है। अरे वाह! तो इन जूतों को पहनो और पैरों से दबाओ। ये बिल्कुल कीचड़ भरे गड्ढों में कूदने जैसा है। बहुत अच्छा किया बच्चों, अब मेरे पीछे पीछे आओ। यहाँ पर जूस को डिब्बों में डाला जाता है। हमें स्वाद को डिब्बों में दी गई तस्वीर से मिलाना होगा। तो बताओ ये क्या है? ये लाल है, क्या ये स्ट्रॉबेरी है? शाबाश मैंडी, इसे भरने के लिए लाल बटन दबाओ। अब बताओ ये वाला कौन सा है? ये हरा है, इसलिए सेब है। बिल्कुल सही सूजी। और ये वाला? इसमें बहुत सारे रंग है। शाबाश पेपा, तुमने बिल्कुल नए प्रकार का जूस बनाया है। ये रेनबो जूस है। सभी को लगता है कि रेनबो जूस दिखने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। ये कमरा जायका लेने के लिए है। यहाँ हम पक्का करते हैं कि सभी जूस का स्वाद हो लाजवाब। लेकिन इस चीज को मजेदार बनाने के लिए हम गेस करेंगे हर जूस का स्वाद। पेपा और उसके प्ले ग्रुप को जूस टेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है। यम, ये तो संतरे का जूस है। ये सेब का जूस है। इसका स्वाद ऐसा है जैसे सारे जूसेस मिला दिए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये है तुम्हारा खास रेनबो जूस। यम यम यम। पेपा को जूस के बारे में सीखना अच्छा लगता है और पेपा को उसका स्वादिष्ट रेनबो जूस बहुत अच्छा लगता है। आज पेपा और उसके दोस्त एक खास तरह के एडवेंचर पार्क में आए हैं। एडमिन करो भी, तुम कर सकते हो। ये वाकई ही मजेदार है। बहुत बढ़िया एडमिन। इस कमरे में बैलेंस बीम है।
तुम्हें बॉल पिट में गिरे बिना इसे पार करना होगा। अगर तुम सब एक टीम की तरह काम करोगे तो बिना इस बॉल पिट में गिरे इसे पार भी कर लोगे। मैं अच्छी तरह से बैलेंस बना लेती हूँ, मेरे पीछे आओ। अब जॉर्ज, पेपा और एडमंड एलिफेंट को बैलेंस बीम पार करना होगा, लेकिन एडमंड को बैलेंस बीम थोड़ी सी मुश्किल भरी लग रही है। किनारों से होकर जाने की कोशिश करो एडमंड, हम मिलकर कर सकते हैं। सभी ने इस बैलेंस बीम को पार कर लिया है। अब उन्हें इस कमरे को झूल कर पार करना होगा। ये तो काफी पेचीदा लग रहा है। ये पाके झूले की जैसा ही है एमिली, इसे देखो। पेपा झूला झूलने में काफी माहिर है। हुरे, कसकर पकड़ लो जॉर्ज। अब तुम करो एडमंड। लेकिन एडमंड एलिफेंट को ये करने में थोड़ी सी घबराहट हो रही है। क्यों ना एडमंड हम साथ मिलकर एक टीम की तरह जाएं? बढ़िया आइडिया है। अरे, हमने कर दिखाया। शुक्रिया एमिली। सभी ने इस बड़े झूले को पार कर लिया है। सभी ने बढ़िया टीम वर्क किया। एक और कमरा बाकी है। ये आखिरी कमरा है, लेकिन बॉल पिट को पार करने का कोई रास्ता नहीं है। हम इतनी लंबी छलांग नहीं लगा सकते। यहाँ झूलने के लिए कुछ नहीं है। ये कमरा एक पहेली की तरह है। कोई नहीं जानता इस पहेली को कैसे सुलझाना है और पार जाना है। मैं समझ गया। लेकिन एडमंड एलिफेंट पहेलियाँ सुलझाने में माहिर है। देखा, मैं कितना बुद्धिमान हूँ। सभी ने इस एडवेंचर पार्क की चीजों को कर दिखाया है। बहुत बुद्धिमानी भरी चीज की है एडमिन। एडमिन और एडमंड एलिफेंट इन सभी चीजों को फिर से करने का बेसब्री से एक सुपर स्ट्राइक सुपर बॉलर के लिए। आज सूजी शीप एक बोलिंग पार्टी कर रही है। मैं भी सुपर स्ट्राइक लेना चाहती हूँ। मुझे पता है कैसे करना है, मैं कई बार बॉलिंग कर चुकी हूँ। फिर तुम सबको बताओगे इसे कैसे करते हैं पापा? ठीक है, हमें स्कोरबोर्ड के लिए अपनी तस्वीरें लेने चाहिए। बस कैमरे के सामने आओ और कहो चीज। बढ़िया, ये है आपकी बॉलिंग लेन। अब बॉलिंग करने के लिए बॉल चुने, फिर उसे सीधे आगे फेंके, ऐसे। मैं भी कोशिश करने वाली हूँ, मुझे पसंद आया ये वाला। गुलाबी गेंद काफी भारी है। इसकी जगह इसे आजमाओ, ये हल्की है। अरे बाप रे, किसने अपनी बॉल घुमा दी? अरे नहीं, अब मैं कोशिश करता हूँ। पेड्रो पोनी की बॉल लेन के बगल वाले गटर में चली गई है। अरे रे, मेरी बारी। सूजी शीप, पेड्रो पोनी और जेरल जिराफ को अभी तक समझ नहीं आया कि बॉलिंग कैसे करनी है। परेशान मत हो, हमें खेलने के लिए और अच्छा तरीका खोजना होगा। तुम लोग बैरियर के साथ कोशिश क्यों नहीं करते? ये खेलने का एक मजेदार तरीका है। लेकिन मैं अपनी बॉलिंग बॉल को उछालना नहीं चाहता। कोई बात नहीं, बॉल को एक सीधी लाइन में जाने के लिए तुम रैक का इस्तेमाल कर सकते हो। ये मजेदार है। पेपा और उसके दोस्त अपने तरीके से बॉलिंग करके काफी मजे ले रहे हैं।
पर सूजी शीप अब भी सुपर स्ट्राइक करना चाहती है। ठीक है बच्चों, ये आपकी आखिरी बॉल है, गुड लक। इसे देखो, सूजी शीप पीछे से बॉलिंग कर रही है। एक सुपर स्ट्राइक सुपर बॉलर के लिए। सूजी शीप ने सुपर स्ट्राइक की है। सूजी शीप को बॉलिंग बहुत पसंद है, सभी को बॉलिंग बहुत पसंद है। हेलो आप सभी को। आज पेपा और उसकी फैमिली मैडम गजल के बैंड द रॉकिंग गजल्स के एक संगीत कार्यक्रम में आई हुई है। मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। अरे बाप रे, जनरल जिराफ भी अपने डैडी के कंधों पर बैठा है और बाकी लोग इस वजह से देख नहीं पा रहे हैं। हाय पापा, हाय जोड। जनरल और उसके पिता किनारे चले गए हैं, इसीलिए अब सभी देख पा रहे हैं। चलो 1 and 2 and 1 2 3 4। सभी लोगों को बहुत मजा आ रहा है। पापा और डैडी पिग वाकई संगीत के मजे ले रहे हैं। मजा आ रहा है ना पापा? हाँ, क्या तुम्हें मजा आ रहा है जॉर्ज? पापा और डैडी पिग गलती से भीड़ भाड़ के बीचों बीच पहुंच गए हैं। हम जल्द ही आकर आपको ढूंढ लेंगे मम्मी पिग। मैंने कहा हम आपको ढूंढ लेंगे। अरे इतनी भीड़ में कहाँ घूम लेंगे? मजे करो जॉर्ज। सभी डांस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नाचते हुए लोगों से भरे स्विमिंग पूल में खड़े हो। यहाँ कुछ हवादार बीच बॉल्स भी है। पकड़ लिया। बहुत बढ़िया पापा। शुक्रिया शुक्रिया। माफ कीजिए मिस्टर बुल, माफ कीजिए मैडम गजेल। कोई बात नहीं, ऐसा सब तो होते रहता है। कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है पॉप म्यूजिक। दरअसल इससे तो मुझे अपने अगले गाने की याद आ गई। 1 2 3 4। पॉप पॉप पॉपिंग बुलबुले, पॉपिंग बुलबुले करेंगे। पॉप पॉप पॉपिंग बुलबुले सारा दिन पॉप करेंगे। पॉप पॉप पॉपिंग बुलबुले, पॉपिंग बुलबुले पॉप करेंगे। हमने ढूंढ लिया। मम्मी और जॉर्ज पिग भी नाचते नाचते भीड़ भड़के के आगे आ गए हैं। मैडम गजेल ने पेपा और उसकी फैमिली को उनके साथ स्टेज पर गाने के लिए बुला लिया है। सभी को मैडम गजेल का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है और सभी को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है पॉप पॉप पॉपिंग बुलबुले। जॉर्ज, आज जॉर्ज एडमंड एलिफेंट और रिचर्ड रैबिट के साथ रात बिता रहा है। चलो बच्चों, सोने का समय हो गया। चिंता मत करो मम्मी, मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि ये सब सो जाए। शुक्रिया पापा। चलो सब लोग अपने अपने स्लीपिंग बैग में, कदम ताल के साथ। पापा को चार्ज लेना अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया पापा, गुड नाइट बच्चों। मजाक कर रही हूँ। आप लोग अभी सोने नहीं जा सकते, उससे पहले आपको काफी मजेदार चीजें करनी होंगी। जॉर्ज ने पहले कभी दोस्तों के साथ रात नहीं बिताई, वो काफी जोश में है। सबसे पहले हमें मिडनाइट वाली दावत करनी होगी। तुम भूत बन गए हो। मुझे भूतों की एक डरावनी कहानी पता है। जॉर्ज, रिचर्ड और एडमिन को कहानियाँ बहुत अच्छी लगती है। ये डरावनी कहानी एक कीचड़ भरे गड्ढे की है जिसमें कीचड़ नहीं था।
हम डरावनी भूतिया चीजें या भूत जैसा कि हमें बताया जाता है वो होते ही नहीं है। इनका होना वैज्ञानिक तौर पर असंभव है। एडमंड चतुर और तेज तर्रार है, वो भूतों में विश्वास नहीं करता। क्या मैं कोई कहानी सुना सकता हूँ? ठीक है। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा पिग था और एक बहुत छोटा खरगोश था, और वो हमेशा एक दूसरे का पीछा करते रहते थे। कहानी खत्म। ये बहुत अच्छी कहानी थी। ओह, मुझे एक और आती है। बहुत पहले की बात है, जॉर्ज एडमंड और रिचर्ड फिर से भूत बन गए। शैतान जॉर्ज। ओह, तुम्हें पता है आगे क्या होता है? ये। हमें काफी देर तक जागना होगा, लगभग 100 बजे तक। रेडी? मुझे नहीं लगता कि जॉर्ज को दोस्तों के साथ रात बिताना आता है। सब कुछ कैसा चल रहा है पेपा? वो गहरी नींद में सो रहे हैं मम्मी। बहुत बढ़िया, मुझे लगता है तुम्हें मिडनाइट दावत मिलनी चाहिए। अरे वाह। जॉर्ज और उसके दोस्तों को स्लीप ओवर में गेम्स खेलना अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें सोना बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया लग रहे हैं ना पापा? डैडी, हम जॉर्ज के लिए जूते ले रहे हैं, आपके लिए नहीं। आज जॉर्ज कुछ नए जूते ले रहा है। हेलो मिस रैबिट, हमें जॉर्ज के लिए कुछ नए जूते लेने हैं। जॉर्ज के जूते काफी पुराने हैं। आप लकी हो, यहाँ काफी सारे जूते हैं। हम जॉर्ज के लिए सही जूते ढूंढ लेंगे। पहले हम तुम्हारे पैरों का नाप लेंगे। इस नाप लेने वाली मशीन में अपना पैर डालो प्लीज। मिस रैबिट जॉर्ज के पैरों का नाप ले रही है ताकि वो उसे सही आकार के जूते ढूंढ कर दे सके। तुम्हारे पैर बहुत छोटे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जॉर्ज एक बच्चा है। जॉर्ज कोई बच्चा नहीं है। मेरे पीछे आओ। हम अपने सारे छोटी साइज वाले जूते यहाँ रखते हैं। तुम्हें कौन से जूते अच्छे लग रहे हैं जॉर्ज? जूते। वो है बोलिंग शूज। जॉर्ज को बोलिंग करना अच्छा लगता है और उसे बोलिंग शूज बहुत पसंद है। क्या तुम्हें वाकई में ये जूते चाहिए जॉर्ज? जूते, जूते। ये टैप डांसिंग वाले जूते हैं। ये बहुत शोर कर रहे हैं। क्या कहा? जॉर्ज को खूब सारा शोर मचाना अच्छा लगता है। शायद ज्यादा ही शोर वाले। जूते। ये जोकर वाले जूते हैं। जॉर्ज को जोकर वाले जूते बहुत पसंद हैं। ये काफी बड़े हैं, पर जॉर्ज काफी छोटा है। जूते, जूते। जॉर्ज बहुत सारे जूते ट्राई करता है, लंबे जूते, छोटे जूते, यहाँ तक कि अजीब से जूते भी, लेकिन उनमें से कोई भी सही नहीं लगता। जूते। ये चप्पल है जॉर्ज, ये जूते नहीं है। जूते। ये बिल्कुल तुम्हारे पुराने जूते जैसे हैं। जूते। जॉर्ज को ऐसे जूते पसंद आए जो बिल्कुल उसके पुराने जूतों जैसे हैं। बहुत अच्छे, हम ये वाले लेंगे मिस रैबिट। मिस रैबिट, मैं यहाँ अंदर हूँ। जॉर्ज को अपने नए जूते बहुत पसंद है और उसे जूतों की दुकान भी बहुत पसंद है। सभी को जूतों की दुकान बहुत पसंद है। सोने का समय हो गया है, लेकिन जॉर्ज को नींद नहीं आ रही, इसलिए पेपा और डैडी पिग को भी नींद नहीं आ रही।
अब क्या होगा? हम सारी बेडटाइम स्टोरी पहले ही पढ़ चुके हैं। हमने एक किताब अभी भी नहीं पढ़ी है। मैंने इसे इमरजेंसी के लिए संभाल कर रखा था। थके हुए पेग को सुलाने में मदद करने वाली काफी लंबी और उबाऊ स्टोरी। बहुत ही लंबी और बहुत ही उबाऊ स्टोरी। क्या वो थके हुए पिग को सुलाने में मदद करेगी? हाँ, थके हुए पिग को सुलाने में मदद करने वाली काफी लंबी और उबाऊ स्टोरी। स्टोरी। एक बार की बात है, जब थी एक हीरो, नाम था हाँ, सुपर पेपा। वो सारा दिन अपने पड़ोसियों की मदद करती रहती थी। एक दिन उसने एक विशाल कूद फांद करने वाले जीव के बारे में सुना, जिसने पूरे शहर को हिला कर रखा था। विशाल जीव कूदना बंद ही नहीं कर रहा है। मैं आपकी मदद करूंगी। सुपर पेपा को कूद फांद करने वाला जीव मिल गया। ओह हाँ जॉर्ज, कूदने वाला डायनासोर। सुपर पेपा ने कूद फांद करने वाले डायनासोर को कूद फांद करने से रोकने की सारी कोशिश कर ली। मतलब उसे काफी शांति से पूछा। हाँ। एक्सक्यूज मी मिस्टर डायनासोर सर, एक्सक्यूज मी। उन्होंने बेड टाइम म्यूजिक चलाकर भी देख लिया। इससे उसे नींद आ जाएगी। कितना सुकून मिल रहा है। लेकिन म्यूजिक सुनकर डायनासोर में और भी जोश आ गया। सुपर पेपा ने कूद फांद करने वाले डायनासोर को गर्म पानी से नहलाने की कोशिश की और उसे आरामदायक पजामा पहना कर भी कोशिश कर ली। यहाँ तक कि उसने तारे भी गिनने की कोशिश की। एक, दो, तीन, चार, पाँच। हमने यही सारी चीजें की। अब तो कोशिश करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। बेड टाइम स्टोरी सुनते हुए आखिरकार जॉर्ज को नींद आ ही गई। अरे वाह, मदद के लिए शुक्रिया पेपा। स्वीट ड्रीम्स। शुक्रिया डैडी, लेकिन मैं अभी थकी नहीं हूँ। क्या आप स्टोरी पूरी कर सकते हैं? पेपा और उसके दोस्त सीसो पर खेलने जा रहे हैं। रुको! क्या कोई परेशानी है मिस्टर बुल? बस सीसो की मरम्मत कर रहा था डैडी पिग। लो, अब ये बिल्कुल सुरक्षित है और इस्तेमाल के लिए तैयार है। पेपा को सीसो पर खेलना बेहद पसंद है। क्या आप मेरे साथ खेलेंगे मिस्टर बुल? मजा आएगा। मैं क्यों नहीं, आखिरकार ये ठीक हो गया है और तैयार है। वाह, मजा आ गया। लेकिन अब तुम नीचे कैसे उतरोगी? आपको ऊपर जाना होगा ताकि पापा नीचे आ सके। ओह ऐसे। मिस्टर बुल सीसो पर नीचे की साइड फंस गए हैं। मिस्टर बुल बड़े हैं और पेपा छोटी सी है, इसलिए सीसो बैलेंस नहीं हो पाएगा। पेपा की तरफ से कुछ भारी चीज होनी चाहिए। क्या बात है, तुम्हें ये कैसे पता? मैं समझदार हूँ। चलो ठीक है। पेपा की बैकपैक से उसका वजन बढ़ जाएगा। ऊपर 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 ऊपर। हम बादलों की तरह ऊंचे हो गए हैं। मिस्टर बुल अभी भी फंसे हुए हैं सीसो की नीचे की साइड पर। मुझे लगता है नीचे रहने में भी बहुत मजा है। कितना शानदार नजारा है घास का। हमें एक बड़े की जरूरत है मिस्टर बुल के साथ खेलने के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि हमें एक और बड़ा व्यक्ति कहाँ मिलेगा।
आप बड़े हैं डैडी। अरे हाँ, मैं तो हूँ, मैं आपके साथ खेलूंगा मिस्टर बुल। डैडी पिग और मिस्टर बुल दोनों ही बड़े हैं, जिसकी वजह से सीसॉ बैलेंस हो गया है और ऊपर और नीचे जा रहा है। रुको! क्या आपको मजा नहीं आ रहा मिस्टर बुल? मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, मैं तो बस नजारा देखना चाहता था। ओकी डोकी, चलो चलते हैं ऊपर आसमान में। हेलो सूरज, हेलो घास, हेलो बादल, हेलो पेपा। अरे रे, कितना तेज हॉर्न है। आज पेपा और उसकी फैमिली क्रूज शिप पर है। हेलो एवरीवन, नाव पर आपका स्वागत है। क्या आप सेफ्टी टूर के लिए तैयार हैं? फर्स्ट मेट मिस रैबिट उन्हें वो सारी चीजें दिखाने वाली है जो शिप को सुरक्षित रखती है। मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। नावों के बारे में मुझे भी थोड़ी बहुत जानकारी तो है। मुझे लगता है कि मैं उन सन लाउंजेस का टूर कर सकती हूँ। मजे करो, सब लोग इस तरफ आओ। इस बड़ी नाव के किनारों से कई छोटी छोटी नाव लटक रही है। ये है लाइफ बोट। जब शिप काम करना बंद कर दे तो हम लाइफ जैकेट पहनकर इससे उड़ जाते हैं। ये रही तुम्हारी लाइफ जैकेट पेपा। ये आपकी जैकेट ग्रैंडपा। डेक पर मत दौड़िए प्लीज। क्रूज शिप की फर्श को डेक कहते हैं। सॉरी। कोई बात नहीं, टूर आगे बढ़ाते हैं। सीढ़ियों पर मेरे पीछे पीछे आओ। आए आए मिस रैबिट। ये बड़े से घूमते हुए चम्मच जैसे लग रहे हैं। वो है सैटेलाइट्स। ये शिप को रास्ता बताते हैं। मिस रैबिट, ये इतने बड़े बड़े शीशे क्यों लगे हैं? नहीं पेपा, ये है। वैसे ये क्या है मिस रैबिट? ये है सोलर पैनल्स। हमारा शिप सूर्य की ऊर्जा से चलता है। बेशक, क्या खूब काम है सूरज का। टूर पर एक और स्टॉप आने वाला है, नीचे जाने का समय हो चुका है। वाह, क्या आइडिया है जॉर्ज। सभी लोग कूद जाओ। ये एक पुल है। ये पुल नहीं है, ये कमरा है जहाँ से कैप्टन इस तरह के बड़े शिप चलाते हैं, उसे ब्रिज कहते हैं। इन सभी बटन के क्या काम है? मुझे इसका जवाब पता है। नावों के बारे में मुझे भी थोड़ी बहुत जानकारी तो है। इस बटन से लाइट ऑन होती है। अरे और इस लीवर से हम स्पीड तेज कर सकते हैं। शायद मुझे रुक जाना चाहिए। अच्छा आइडिया है। इस बटन से क्या होता है? वो फॉग हॉर्न है। इसकी तेज आवाज से दूसरे शिप्स को पता चलता है कि हम आसपास हैं। क्या तुम इसे दबाना चाहोगी? हाँ क्यों नहीं। ओह, ये कितना धमाकेदार हॉर्न है। माफ करना ग्रैनी। पेपा को क्रूज शिप के बारे में जानना अच्छा लगता है, लेकिन उसे फॉग हॉर्न सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। आज पेपा और उसका परिवार एक एयर शो में खूब सारी चीजें करने वाला है। मिस रैबिट हॉट एयर बलून उड़ा रही है। आसमान हॉट एयर बलून से भरा हुआ है। ये कितने सारे बलून है। एक बादल, एक ब्रोकली, एक जोकर, एक डायनासोर। बहुत बढ़िया जॉर्ज। वो क्या है? वो एक बाइप्लेन है पेपा। ये कर क्या रहा है? कुछ प्लेन आसमान में मैसेज लिख सकते हैं या चित्र भी बना सकते हैं। बाइप्लेन ने आसमान में पेपा की तस्वीर बनाई है। ये मैं हूँ। सभी को मेरा हेलो। हेलो।
आकाश में तस्वीर बनाने के लिए शुक्रिया। स्वागत है आप लोगों का। लो मैं चली। ये क्या है? क्या ये दूसरा हॉट एयर बलून है? ये वायुयान है। ये गुब्बारे की तरह तैरता है। इसके छोटे छोटे प्रोपेलर प्लेन की तरह उड़ने में इसकी मदद करते हैं। पेपा और जॉर्ज को वायुयान बहुत रोमांचक लगता है। क्या आप सभी सवारी करना चाहेंगे? वायुयान। वायुयान आसमान में उड़ने वाला है। हम बहुत ऊपर हैं। ये कैप्टन की तरफ से घोषणा है। आकाश में आप देखेंगे चिड़िया। हेलो चिड़िया। बादल। हेलो बादल। ओह, और डॉक्टर हैमस्टर। हेलो, फिर से। ओह, इतने सारे बटन। ओह हाँ, इस तरह के वायुयान को चलाने में काफी मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज कोई भी बटन नहीं दबाइएगा। ये स्टीयरिंग व्हील वायुयान को अलग अलग दिशाओं में ले जाने में मदद करता है, ऊपर नीचे और अगल बगल। और हम रेडियो से पूरे एयर शो में घोषणाएं कर पाते हैं। ओह, क्या मैं घोषणा कर सकती हूँ? मुझे एक बहुत ही जरूरी बात की घोषणा करनी है। बेशक। हेलो, मैं हूँ पेपा पिग। मैं वायुयान हूँ जो थोड़ा थोड़ा गुब्बारे जैसा है, लेकिन एक हवाई जहाज भी है। मुझे आशा है कि आप सभी का समय एयर शो में अच्छा बीता होगा। अरे रे, हम तो एक बहुत ही जरूरी बात भूल ही गए। ये पायलट है पेपा और जॉर्ज के लिए। मैं हूँ पायलट पेपा। पायलट पेपा को एयर शो बहुत अच्छा लगता है। सभी को एयर शो बहुत अच्छा लगता है। आज पेपा प्ले ग्रुप जाने के लिए बड़े उत्साह से तैयार हो रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज है पिक्चर डे। अरे वाह! मैडम गजेल ने पिक्चर डे के लिए खास फोटो बूथ बनाया है। तुम तस्वीर खिंचवाने के लिए तैयार हो पेपा? हाँ, मैं सुबह से ही साफ सुथरी बनकर घूम रही हूँ। बहुत मजा आएगा। मैं फुटबॉल किट लाया हूँ अपनी तस्वीर खिंचवाने के लिए। पेपा को नहीं पता था कि वो पिक्चर डे के लिए तैयार हो सकती है। हेलो बच्चों, तुम चाहो तो तस्वीरों के लिए तैयार हो सकते हो। लेकिन याद रहे, सबसे अहम बात ये है कि तुम्हारी तस्वीरों में तुम्हारे बारे में कुछ खास दिखे। क्या तुम पहले जाना चाहोगे डैनी? हाँ प्लीज। पेपा को लगता है कि डैनी की तस्वीरें वाकई बहुत अच्छी आई है। सूजी शीप ने तस्वीरें खिंचवाने के लिए नर्स के कपड़े पहने हैं। उसे नर्स की तरह कपड़े पहनना अच्छा लगता है। मैंडी माउस को रिकॉर्डर बजाना बहुत पसंद है, इसीलिए वो अपनी तस्वीरों में गाना बजा रही है। कितनी प्यारी धुन है मैंडी। जॉर्ज, क्या अब तुम जाना चाहोगे? तुम अपनी तस्वीर के लिए क्या इस्तेमाल करने वाले हो जॉर्ज? डायनासोर। जॉर्ज ने अपने पसंदीदा खिलौने के साथ अपनी तस्वीर खिंचवाने का फैसला किया है। कितनी खूंखार डायनासोर हो तुम जॉर्ज। पापा, अब तुम्हारी बारी। लेकिन मुझे पहनने के लिए कुछ भी बेहतरीन नहीं मिला मैडम गिजेल। ओ, तुमको कुछ खास पहनने की जरूरत नहीं है पापा। तुम्हारी तस्वीर में बस तुम्हें खुश करने वाली कोई चीज होनी चाहिए। पेपा को सबसे ज्यादा खुशी मिलती है मिट्टी भरे गड्ढों में कूदने से। बेहतरीन। अब बस एक आखिरी तस्वीर लेना बाकी है, एक क्लास तस्वीर। लेकिन हमारी तस्वीर लेगा कौन मैडम गजेल? कैमरे में टाइमर है, इसलिए ये अपने आप तस्वीर ले लेगा। चलो 3, 2, 1 बोलो चीज। पेपा और उसके दोस्तों को पिक्चर डे बहुत पसंद आता है,
लेकिन मैडम गजेल को पिक्चर डे सबसे ज्यादा पसंद आता है। आज पेपा और उसका परिवार बतख के तालाब की ओर जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में लोहे का एक बैरियर है। माफ करना दोस्तों, रास्ता बंद है। लेकिन हम लगभग तालाब तक पहुँच ही गए हैं। मुझे डर है यहाँ काफी फिसलन होगी। चमकीले लाल एरो वाले डाइवर्जन साइंस को देखकर चलते जाएं। आप जल्द ही पहुँच जाओगे। डाइवर्जन का मतलब है कि आपको दूसरे रास्ते पर से जाना है। चलो सब चले। जल्दी मिलेंगे बतख। ये रहा। पेपा को पहला चमकीला लाल एरो मिल गया है और एक और मिला। और एक और मिला। लेकिन आगे वाला निशान तो नीचे गिरा है। उठ जाओ श्रीमान निशान। किसी को नहीं पता कौन से रास्ते पर जाना है। हम दाएं जाएं या बाएं? लगता है दाएं तरफ जाना ही ठीक है। क्या हम खो गए हैं? हाँ, हम खो ही नहीं हैं। हम बस ये नहीं जानते कि हम कहाँ पर हैं। जब आप नहीं जानते कि आप कहाँ हैं, तो आप शायद खो चुके होते हैं। देखो बतख। हेलो बतख। माफ कीजिए श्रीमती बतख, क्या आप जानती हैं बतख का तालाब कहाँ है? क्या खूब किस्मत की बात है। रास्ता दिखाइए बतख। ये बतख वाली पगडंडी है डैडी। हम सबको बतखों की तरह चलना होगा। हम बतख के तालाब जा रहे हैं हिल-डुल के, और हम बतख देखने जा रहे हैं क्वैक क्वैक क्वैक। हम बतख के तालाब जा रहे हैं। आखिर पेपा और उसका परिवार बतखों के तालाब तक पहुंच ही गए। हमने कर दिखाया। ये। आप समय से आ ही गए। मुझे यकीन है कि डाइवर्शन से होकर आने में आप खुश होंगे। हाँ, ये बहुत मजेदार था। और काफी कम फिसलन वाला। आज पेपा और उसके दोस्त गो-कार्ट ट्रैक पर है। सभी को मेरा नमस्ते। कौन कौन गो-कार्ट दौड़ के लिए तैयार है? मैं। पेपा और उसके दोस्तों ने अपना रेस सूट पहन लिया है। मेरा पसंदीदा रंग लाल है। और अपनी सुरक्षा हेलमेट मत भूलना। आप अपना गो-कार्ट चुन लो। ये। डैनी डॉग ने अपना हेलमेट उल्टा पहन लिया है। आप गो-कार्ट चलाने के लिए पेडल्स का इस्तेमाल करेंगे और रोकने के लिए ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे और स्टीयरिंग व्हील से गो-कार्ट को घुमाने में मदद मिलती है। ये बाइक चलाने जैसा ही है। तुम सब इसे चला कर देखो। चलो धीरे धीरे पेडल मारना शुरू करो। मैं हमेशा बड़ी सी कार चलाती हूँ, मेरे लिए गो कार्ट आसान होगा। अरे रे, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही तेज चला रही थी। अब मैं इसे कैसे मोड़ूं? गो कार्ट रेस शुरू हो गई है। ये तो मजेदार है। लेकिन सूजी शीप पेडल पीछे की ओर चला रही है। पेडल को आगे चलाने की कोशिश करो सूजी। आगे? डैनी डॉग बहुत तेजी से पेडल चला रहा है। ब्रेक का इस्तेमाल करना ना भूलना डैनी।
मम्मी पिग को अपना गो कार्ट चलाने में दिक्कत हो रही है। चलो देखते हैं। इससे ये पीछे की तरफ जाता है। क्या आपको मदद चाहिए मम्मी पिग? ओह नहीं, शुक्रिया मिस रैबिट। मुझे यकीन है मैं कर सकती हूँ। मेरा गो कार्ट बहुत हिल रहा है। पेपा पूरे रेस ट्रैक पर गाड़ी चला रही है। अपनी स्टीयरिंग व्हील को धीरे घुमाओ पेपा। ओह ज्यादा बेहतर। पेपा और उसके दोस्तों को अपने गो कार्ट में रेस ट्रैक के चक्कर लगाना पसंद है। चलो चले। और आखिरकार मम्मी पिग ने अपना गो कार्ट चला लिया है। समय समाप्त। सभी ने बहुत बढ़िया किया। अरे लेकिन गो कार्ट रेस खत्म हो गई है। पेपा और उसके दोस्तों को गो कार्ट रेसिंग काफी पसंद आती है। पेपा और उसका परिवार बेबी अलेक्जेंडर को चर्की वाले बड़े से झूले पर ले जा रहे हैं, पर वो ज्यादा खुश नहीं लग रहा। ये बदबू कैसी है? ये तो बेबी अलेक्जेंडर से आ रही है। इसकी नैपी बदलनी होगी। पर हम तो चरखी झूले के लाइन में सबसे आगे पहुंच चुके हैं। सब अपनी नाक बंद कर लो। इस चरखी झूले में कितनी बदबू है। सॉरी पेपा, पर बेबी अलेक्जेंडर की देखभाल करना हमारा काम है। अगर हम अब मदद करेंगे तो बाद में खेल सकते हैं। हाँ, बेबी अलेक्जेंडर को हमारी मदद चाहिए। ये हुई ना बात। अब चलते हैं और नैपी बदलने के लिए जगह ढूंढते हैं। वहाँ ठीक रहेगा। यहाँ नहीं। यहाँ नहीं। अरे रे, यहाँ। शाबाश पेपा, हमें नापी बदलने की जगह मिल गई है। सबसे पहले हमें खराब नापी हटानी होगी और उसे कचरे के डिब्बे में डालना होगा। कचरे का डिब्बा कहाँ है? ओह, ये रहा डैडी। ऐसा करने के बाद हमें अपने हाथ जरूर धोने चाहिए। थोड़ी सी क्रीम लगानी चाहिए। ओह सॉरी पेपा, हो ही गई। आखिर साफ सुथरी नैपी। डैडी मैं भी थोड़ा सा करके देखूं। बिल्कुल पेपा। अरे वाह, अब बढ़िया है। ये कितना मजेदार था। मैंने पहले कभी नैपी नहीं बदली थी। तुमने बहुत अच्छे से बदली है पेपा। लेकिन क्या तुम जानती हो कि नैपी बदलने से भी ज्यादा मजेदार क्या है? चरखी वाला झूला। आज पेपा के प्ले ग्रुप में आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स डे है। मैंने आज के लिए खूब सारे मजेदार आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स प्लान किए हैं। पहला है पेंटिंग। लेकिन ब्रश कहाँ है? ये देखो, ये रहे। कोई नहीं जानता कि मैडम गजल कहना क्या चाहती हैं। कहाँ? मुझे कुछ नहीं दिख रहा। हम करेंगे उंगलियों से पेंटिंग। ब्रश की जगह
तुम लोग हाथों का इस्तेमाल करोगे। अरे पेपा और उसका प्ले ग्रुप उंगलियों से पेंटिंग करके मजे ले रहे हैं। कितना प्यारा फूल बनाया पेपा। थैंक यू मैडम गिजेल। कितनी शानदार तितली है सूजी। थैंक यू मैडम गिजेल। और डैनी, ये तो कसाब का कीचड़ वाला गड्ढा। शुक्रिया मैडम गजल। डैनी अपनी पेंटिंग पर कूद रहा है जैसे वो असली कीचड़ वाला गड्ढा हो। बढ़िया आइडिया डैनी, हम अब करेंगे फेस पेंटिंग। हर कोई अपने चेहरे को पेंट कर रहा है। सूजी एक तितली है, डैनी एक ज़ीब्रा है, फ्रेडी और एमिली टाइगर और मछली बने हैं, और पेपा ने खुद को हरा बना लिया है। मैं हरी हूँ। इससे मुझे एक जबरदस्त आइडिया आया है। मैडम गजेल टेप लगा हुआ एक बड़ा कैनवस लेकर आती है। वो क्या है मैडम गजेल? ये तो एक सुंदर सा चित्र है। लेकिन मुझे चित्र नहीं दिख रहा। क्योंकि अभी पूरा नहीं हुआ है। तुम सब एक एक पेंट की बोतल ले लो और जितना छिड़कना चाहो छिड़क सकते हो इस कैनवस पर। बच्चों रंग छिड़को, मजे करो, जमीन से मत गिराना। सभी को बड़े कैनवस पर पेंटिंग करके मजा आ रहा है। ये कितनी सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आई। मुझे भी। लेकिन मुझे चित्र दिख नहीं रहा। जल्दी ही देखोगी पापा। मैडम गजेल कैनवस से टेप निकाल रही हैं, और टेप निकालने की वजह से पेंटिंग बन गई है स्टार। पेपा को पेपा और एमिली एलिफेंट आज बीच पर खूब मजे कर रहे हैं। उन्हें पानी बहुत पसंद है। देखो एमिली, मैं एक मछली हूँ। छप छप छप। मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ पानी में कितनी सारी मछलियाँ हैं पापा? तुमने ये कैसे किया एमिली? क्या तुमने अपनी सांस रोकी थी? नहीं, मैं अपनी सूंड का इस्तेमाल कर सकती हूँ क्योंकि ये बहुत लंबी है। क्या चल रहा है पेपा? काश मेरे पास भी एमिली जैसी सूंड होती, ताकि मैं भी पानी के अंदर सांस लेते हुए मछलियाँ देख पाऊँ। मुझे पता है, मेरे साथ आओ पेपा। ये लंबी सी ट्यूब तुम्हारे मुंह में जाएगी और इससे तुम पानी के अंदर सांस ले सकोगी, एमिली की सूंड की तरह। बिल्कुल एमिली की सूंड की तरह। तुम्हारी आवाज मजाकिया क्यों लग रही है पापा? ये मेरी सांस लेने की नली है, इसका मतलब कि मैं तुम्हारी तरह वन में सांस ले सकती हूँ। देखो। नहीं पापा। पापा, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। सांस लेने की नली ठीक से काम नहीं कर रही और पानी का स्वाद काफी अजीब था। पानी खारा होने की वजह से ऐसा है पापा। तुम्हें सांस नली को अपने होठों से कसकर बंद करना होगा ताकि तुम्हारे मुंह के अंदर पानी ना जाए और तुम सांस ले सको। तुम्हें लंबी लंबी सांसें लेनी होंगी इस तरह। पेपा लंबी लंबी गहरी सांसें लेने की कोशिश करती है। फिर से कोशिश करोगी? ठीक है। मैंने कर दिखाया, मैंने खूब सारी रंग बिरंगी मछलियाँ देखी। हाँ बहुत बढ़िया,
और मदद करने के लिए शुक्रिया एमिली। और पानी के खारे स्वाद से छुटकारा पाने के लिए जोर जोर मुझे लगा कि तुम्हें ये देना चाहिए। आइसक्रीम। हेलो, मैं हूँ राजा पेपा। आज प्ले ग्रुप का एक नया दिन है और सभी ऐसा नाटक कर रहे हैं कि पेपा एक राजा है। मैं राजा हूँ और मैं कहती हूँ कि सभी को स्वादिष्ट खाना खाना चाहिए। बेशक मेरे महाराज। राजा पेपा प्ले ग्रुप का राजा होने के मजे ले रही है। उसे स्वादिष्ट खाना वाकई पसंद आ रहा है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ थोड़ी सी किशमिश महाराज। ओ शुक्रिया कैंडी, मुझे किशमिश बहुत पसंद है। लेकिन मेरा पेट काफी भर गया है। क्या मैं राजा बन सकता हूँ अगर आप थक गई हो राजा पेपा? अच्छा आइडिया है, ये लो राजा पेड्रो। अब पेड्रो पोनी प्ले ग्रुप का राजा है। मैं कहता हूँ कि सब लोग कुछ लो। ऐसा क्यों महाराज? क्योंकि उछलने में मजा आता है। राजा पेड्रो ने सही कहा, उछलने में मजा आता है। बहुत अच्छा उछल रहे हो डैनी। शुक्रिया राजा पेड्रो। हॉप हॉप। किंग पेड्रो, आपने कहा था कि सबको उछलना है, मतलब आपको भी। ओ सही कहा। क्या तुम अब राजा बनना चाहती हो कैंडी? हाँ बिल्कुल। हॉप आप कैंडी राजा है। मैं कहती हूँ कि सब को एकदम शांत रहना चाहिए। हाँ, अब सभी को बोलना है जोर से। हर कोई राजा कैंडी और राजा डैनी के नियमों के भरपूर मजे ले रहा है। शांति से, जोर से। अब जॉर्ज राजा है। डायनासोर। राजा जॉर्ज कहते हैं कि सभी को डायनासोर जैसी चीजें करनी चाहिए। सभी को प्ले ग्रुप का राजा बनना पसंद आता है, लेकिन सभी को डायनासोर बनना सबसे ज्यादा पसंद आता है। वो कार वाकई कितनी तेजी से गई है। चिंता मत करो, इसी वजह से जरूरी है रुकना, इधर उधर देखना, सुनना और सड़क पार करने से पहले हमेशा ग्रीन मैन का इंतजार करना। द ग्रीन मैन। बच्चों आपको याद है ना कि हमने क्या सीखा था? रुको, इधर उधर देखो और सुनो। सब ठीक है, कोई कार नहीं है। चलो चलते हैं, अब पार करना सुरक्षित है। ओह, हेलो डैडी। हेलो पेपा। पेपा का प्ले ग्रुप। हेलो डैडी पिग। ओह हरी बत्ती, चलो मैं आप लोगों से बाद में मिलता हूँ। हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया पुलिस ऑफिसर पांडा। दिन भर का यही काम है। पेपा पुलिस ऑफिसर पांडा की मदद कर रही है ताकि सभी सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। तुम्हें सड़क पर अपने ही साइड पर रहना होगा। सॉरी पेपा, मेरा पहिया फंस गया है। हम तुम्हारी मदद करते हैं। हम सड़क को कार और लोगों के लिए सुरक्षित बनाते हैं। पेड्रो ने ध्यान नहीं दिया कि ग्रीन मैन रेड हो गया है। ओ,
पेड्रो, रेड मैन का मतलब है रुको, चलो मत। शुक्रिया पेपा। दिन भर का यही काम है। अरे वो देखो, फ्रेडी ने लुटेरे वाले कपड़े पहने हैं। हमें लुटेरे को पकड़ना होगा। लाल बत्ती का मतलब है रुको। ये रहा, यहाँ। हमने अब उसे पकड़ लिया है। फ्रेडी, क्या तुम लुटेरे हो जो तुमने लुटेरे वाले कपड़े पहने हैं? नहीं, मुझे धारीदार कपड़े पसंद है। तो तुम लुटेरे नहीं हो? नहीं। ठीक है, फिर तुम जा सकते हो, लेकिन तेज रफ्तार से नहीं। ठीक है, अलविदा पेपा। बहुत बढ़िया ऑफिसर पेपा, अब सबको याद हो गया है रुकना, देखना और सुनना, और तभी जाना जब वो देखते हैं ग्रीन मैन। इसका मतलब हम जा सकते हैं। दिन भर का यही काम है ऑफिसर पांडा। पेपा को सभी की सुरक्षा करना और सभी को सुरक्षित महसूस करना अच्छा लगता है। सभी को मेरा हेलो, मैं पेपा द डेंटिस्ट हूँ। मैं आपके दांतों की देखभाल करने में आपकी मदद करूंगी। आज मिस रैबिट पेपा के प्ले ग्रुप में दांतों के बारे में सिखाने आई है। पेपा डेंटिस्ट होने का नाटक कर रही है। पकड़ लिया। शुक्रिया पेपा। अच्छा, अब जो तुम्हें अपने दांत मिल गए हैं, किसी किसे पता है कि हम उनकी देखभाल के लिए क्या कर सकते हैं? डेंटिस्ट के पास जाते हैं। सही बात है, डेंटिस्ट के पास पहले कौन गया है? जेरल जिराफ डेंटिस्ट के पास पहले कभी नहीं गया है। मिस रैबिट, क्या मैं जेरल को दिखा सकती हूँ कि डेंटिस्ट के पास जाना कैसा लगता है? मैं बहुत बार गई हूँ। बहुत ही बढ़िया आइडिया है। पेपा नाटक कर रही है कि वो डेंटिस्ट है और जेरल मरीज है। हेलो मिस्टर जेरल, कृपया इस बड़े से कुर्सी पर बैठ जाओ। शुक्रिया श्रीमती डेंटिस्ट। ये रहा आपका एप्रिन। मुझे चश्मा क्यों पहनना पड़ेगा श्रीमती पेपा? इस जोरदार रोशनी की वजह से। ऐसे बड़ा समूह खोलो ताकि मैं तुम्हारे दांत देख पाऊँ। पेपा टॉर्च से जेरल्ड के दांत देख रही है। मिस्टर जेरल्ड, आपके दांत बहुत अच्छे हैं, इसलिए आपको एक स्टिकर मिलता है। शुक्रिया। अरे वाह, बहुत खूब पेपा और जेरल्ड। क्या किसी को पता है घर पर अपने दांतों की देखभाल कैसे कर सकते हैं? हम अपने दांत ब्रश कर सकते हैं। सही बात है सूजी, ब्रश करने से दांत साफ रहते हैं। क्या हम दांतों को ब्रश करने की प्रैक्टिस करें? मिस रैबिट सभी को टूथब्रश दे रही है ताकि वे अपने दांतों पर ब्रश करने की प्रैक्टिस कर सके। सबसे पहले हम ब्रश को गीला करते हैं, फिर हम थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाते हैं। सभी अपने टूथब्रश पर थोड़ा थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाते हैं, लेकिन कैंडी ने तो ढेर सारा ले लिया है। अब हम क्या करें क्लास? हम ब्रश करते हैं। सामने वाले दांतों पर ब्रश करो और किनारों पर भी, ऊपर और नीचे भी। बहुत अच्छा बच्चों। अरे सभी ने आज बहुत अच्छा काम किया, इसलिए सभी को मिलते हैं स्टिकर्स। पेपा को डेंटिस्ट का नाटक करना अच्छा लगता है और पेपा को स्टिकर बहुत अच्छे लगते हैं। आज पेपा और उसका परिवार सुपरमार्केट में खरीदारी कर रहे हैं। गुड बाय सुपरमार्केट। क्या वो रोबोट है? नहीं पेपा, ये एक वेंडिंग मशीन है। हमें खाने पीने की चीजें लेने के लिए इसके अंदर पैसे डालने पड़ते हैं। क्या हम रोबोट से कुछ खरीद सकते हैं प्लीज?
ठीक है, हम सब चुन सकते हैं एक एक खास ट्रीट। पेपा रोबोट वाली वेंडिंग मशीन से कुछ खरीदने के लिए काफी उत्साहित है। ये लो पेपा। गुड बाय सिक्के। अब उस चीज का बटन दबाओ जो तुम्हें पसंद हो। मैं पसंद करूंगी संतरे का जूस। ये रहा। अरे वाह, स्वादिष्ट। डायनासोर। जॉर्ज को डायनासोर की बनावट वाला बिस्किट मिला है। अब तुम्हारी बारी जॉर्ज। अब तुम वो बटन दबाओ जिस पर है डायनासोर। डायनासोर। मुझे लगता है मैं लूंगा वो वाली ड्रिंक। अरे ये तो फंस गया। डैडी पिग का ड्रिंक सैंडविच के पीछे फंस गया। सैंडविच बीच में आ गया, नटखट सैंडविच। हमें अब सैंडविच भी खरीदना होगा ताकि ड्रिंक भी इसके साथ नीचे गिर जाए। ये फिर से फंस गया। शरारती अनानास। चलो वो भी खरीद लेते हैं। देखो फिर से फंस गया, फिर से। आखिरकार ऊपर से गिरता हुआ ड्रिंक नीचे आ ही गया। अब मैं इसे आखिरकार पी सकता हूँ। ओहो, मेरा ड्रिंक तो एकदम फिजी हो गया। बेचारे डैडी। आप वेंडिंग मशीन से कुछ और क्यों नहीं चुनते? बढ़िया आइडिया है। ओह, वेंडिंग मशीन तो खाली हो गया है। इसलिए क्योंकि हमने सारी चीजें खरीद ली है। कर ही लिया था। पेपा पिन्याटा को खोलने की और अंदर से चीजें निकालने की भरपूर कोशिश कर रही है, क्योंकि आज पेपा का प्ले ग्रुप एक मेक्सिकन छुट्टी के बारे में सीख रहा है जिसका नाम है सिंको डे मायो। अरे बच्चों, क्लासरूम को थोड़ा और खुशनुमा बनाने के लिए हमें और ज्यादा सजावट करनी होगी। तो चलो पॉम पॉम फूल बनाते हैं। पॉम पॉम मैं, मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगा। पॉम 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 पॉम। बस कार्डबोर्ड की टहनी को टिश्यू पेपर के बॉल के बीच में लगा दो और हो गया। मैं ये फूल बना नहीं पा रही। मैं मदद करती हूँ। ये तो काफी मुश्किल है। ओह डियर। सभी ने बहुत सारे पॉम पॉम फूल बनाए हैं। हमने ज्यादा तो नहीं बना दिए। बिल्कुल नहीं। अब हमारा क्लासरूम है बहुत ज्यादा खुशनुमा। अगली चीज हम बनाने वाले हैं स्वादिष्ट गुआकामोल। 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 ये मैक्सिकन ट्रीट बनती है एवोकाडो से, और हम इसे गाजर या ककड़ी या टोर्टियाज नाम की खास क्रिस्प के साथ खाते हैं। गुआकामोल। मैडम गजेल एवोकाडो छील रही है और कटोरे में थोड़ा सा नींबू का रस और नमक मिला रही है। अब हमें इनको एक साथ मसलना होगा। गुआकामोल। क्या कोई थोड़ा सा गुआकामोल चखना चाहेगा? हाँ प्लीज। स्वादिष्ट। यम्मी गुआकामोल। बढ़िया पेपा। सिंको डे मायो का जश्न मनाने का एक और तरीका है गाना गाना। यम्मी
guacamole, yummy, guacamole, yummy, guacamole. और डांस करना एक खास हिस्सा है सिंको डी मायो का। पेपा ने पिन्याटा पर निशाना लगाया और खूब सारी मिठाइयाँ बरसने लगी। पेपा अपने पहले सिंको डी मायो के मजे ले रही है और उसे डांस करने में बहुत मजा। डिनर का समय हो गया है लेकिन डिनर जल गया है। अरे बाप रे, क्या हम अभी भी इसे खा सकते हैं? मुझे लगता है कि हमें टेक अवे से खुद को दावत देनी चाहिए। हम चुनते हैं कि हमें कैसा खाना पसंद है और ये हमारे घर तक डिलीवर किया जाता है। यहाँ चाइनीज टेक अवे है, इंडियन टेक अवे है और सुशी है। क्या हम इसे मंगवा सकते हैं? पेपा चाइनीज टेक अवे ऑर्डर करना चाहती है। चलो ये ले और ये, और भूलना नहीं वो खास सरप्राइज। पेपा और उसकी फैमिली ने खूब सारा जायकेदार खाना ऑर्डर किया है। ये, ये। अब क्या होगा? वैसे पहले रेस्टोरेंट को खाना बनाना पड़ता है और फिर वो उसे डिलीवर करते हैं। लेकिन वो कैसे जानेंगे कि हम कहाँ रहते हैं? जब हमने टेक अवे ऑर्डर कर दिया तब मैंने उन्हें अपना पता दिया था। लेकिन ये यहाँ कैसे पहुँचेगा? मिस रैबिट इसे अपनी बाइक पर लाएंगी। ओ देखो वो बस पहुँचने वाली है। चलते हैं और उन्हें ढूंढते हैं। पेपा और जॉर्ज गलत दरवाजे पर चले गए हैं। ये रहा तुम्हारा टेक अवे पेपा, उम्मीद है तुम्हें अच्छा लगेगा। शुक्रिया। मैं चलती हूँ, बहुत सारा खाना डिलीवर करना है। चावल, नूडल्स, वेजिटेबल रोल्स, और उसके बाद मिलेगा एक खास सरप्राइज। पेपा और जॉर्ज नहीं जानते कि ये खास सरप्राइज क्या है। मुझे चावल बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मुझे अपने मसालेदार नूडल्स पसंद है, ये मेरे फेवरेट है। वो मेरे पसंदीदा भी हो सकते हैं। क्या मैं थोड़ी सी ट्राई कर सकती हूँ? हाँ, पर पहले थोड़ा सा लेना। मुझे नूडल्स बहुत पसंद है। लेकिन वो थोड़ी से तीखे लग रहे हैं। पेपा को मसालेदार नूडल्स ज्यादा पसंद नहीं आए। ये लो वेजिटेबल स्प्रिंग रोल ट्राई करो। वेजिटेबल स्प्रिंग रोल मेरे पसंदीदा है। पेपा और उसकी फैमिली ने अपना चाइनीज टेक अवे खत्म कर लिया है। क्या अब तुम खास सरप्राइज के लिए तैयार हो? अरे इन्हें कहते हैं फॉर्च्यून कुकीज। इनके अंदर होता है गुड लक लाने वाला एक खास मैसेज। इस गुड लक का स्वाद लाजवाब है। पेपा को चाइनीज टेक अवे बहुत पसंद है। सभी को चाइनीज टेक अवे बहुत पसंद है। आज पेपा और उसकी फैमिली लंदन आए हैं देखने सुपर पोटैटो द म्यूजिकल। अरे बाप रे, हमें जल्दी चलना चाहिए वरना हम शो की शुरुआत मिस कर देंगे। ओहो, हम सब भीग जाएंगे। परेशान मत हो, हम चलने के बजाय अंडरग्राउंड ट्रेन ले सकते हैं। अंडरग्राउंड ट्रेन जमीन के नीचे चलती है। जमीन के नीचे बारिश नहीं होती। यहाँ पर रंगीन मैप दिया गया है जिसे पता चलता है कि सभी ट्रेन्स कहाँ जाती है। ये स्पगेटी जैसा लगता है। तो हम अभी यहाँ हैं और हमें जाना है यहाँ। हम पहले नीली ट्रेन ले सकते हैं और उसके बाद लाल ट्रेन लेते हैं। हाँ, बहुत खूब पेपा, चलो चले। सबसे पहले पेपा को टिकट बैरियर से अपना टिकट चेक करवाना होगा। शुक्रिया टिकट रोबोट, मैं फंस गई हूँ। वही रुको पेपा, मैं तुम्हें निकालती हूँ। शुक्रिया मिस रैबिट। इस तरफ पेपा, सभी नीली लाइन को फॉलो करो। मैं भी अटक गया हूँ।
ट्रेन एक बहुत ही अंधेरी सुरंग से प्लेटफॉर्म पर आ रही है। ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ है। सभी जल्दी में क्यों हैं? ये सब जल्दी में है। अंडरग्राउंड ट्रेन में सभी लोग जल्दी में ही रहते हैं। चलो चलते हैं, संभल कर कदम रखना। सभी को हेलो, लू ट्रेन में आपका स्वागत है, दरवाजे पे ध्यान दें। रुको पेपा, अंडरग्राउंड ट्रेन काफी हिलती डुलती है। आप आपके बाईं ओर अंडरग्राउंड देखेंगे और आपके दाईं ओर आप और भी ज्यादा अंडरग्राउंड देखेंगे। लाल ट्रेन के लिए आप यहाँ उतरे। लाल ट्रेन, आ गए हम। अपना कदम आगे रखो जॉर्ज। सभी कसकर पकड़ो। हम यहाँ है। शो तो कुछ ही मिनटों में शुरू हो जाएगा, शायद हम शुरुआत मिस कर देंगे। बिल्कुल नहीं, मेरे पीछे आओ, मैं आपको सुपर पोटैटो द म्यूजिकल के लिए टाइम पे पहुंचाऊंगा, वरना मेरा नाम नहीं बड़ा सेलिब्रिटी आ रहा है। बड़े स्टार के लिए रास्ता बनाओ। थैंक यू, आज किसी को ऑटोग्राफ नहीं दे पाऊंगा। सुपर पोटैटो भी जल्दी में है। अंडरग्राउंड ट्रेन में सभी लोग जल्दी में। पेपा और उसकी फैमिली एरोप्लेन में सफर कर रहे हैं। मुझे एरोप्लेन में उड़ना पसंद है। लेकिन सबको एरोप्लेन में उड़ना पसंद नहीं होता। ओह हेलो मैडम गजेल, जॉर्ज को और मुझे उड़ना पसंद है, क्या आपको भी पसंद है? ओह पेपा, असल में मैं पहले कभी एरोप्लेन में नहीं गई और मुझे डर लग रहा है। ओह मुझे पता है कि क्या करना है। मिस रैबिट, क्या आप प्लेन को काफी ऊंचाई पे ले जा सकते हैं? जरूर, क्यों नहीं। मैडम गजेल, जब प्लेन ऊपर जाता है तो वाकई मजा आता है। देखिए, हम लगभग स्पेस में हैं। कितनी ऊंचाई पर है। अब हम थोड़ा नीचे जा सकते हैं क्या मिस रैबिट? क्यों नहीं। बहुत नीचे है, बहुत ज्यादा नीचे है। चलो एक और चक्कर लगा कर देखते हैं। मुझे लगता है कि इससे भी बात नहीं बनी जॉर्ज। देखिए मैडम गजेल, वो बादल चिड़िया जैसा है, देखा आपने? हाँ हाँ, मैंने देखा। और वो एक सुकून देने वाले रेगिस्तानी आइलैंड जैसा लग रहा है। डायनासोर। ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं अपनी आंखें बंद रखूंगी और ये सब खत्म हो जाने पर खोलूंगी। अरे बाप रे। हेलो, क्या आप दोनों को एक्टिविटी बुक पसंद है? ये बहुत मजेदार है। ओह हाँ, दीजिए। क्या आप इसमें रंग भरना पसंद करेंगी मैडम गजेल? वैसे ये सही रहेगा, इससे मेरा ध्यान उन चीजों से हट जाएगा। और फिर बाकी बची उड़ान में पेपा, जॉर्ज और मैडम गजेल कुछ सुकून भरे रंगों से रंगने लगे। ये देखो लाइन वर्क, देखो तो ये कितने ध्यान से किया गया है, गजब का है, ए स्टार प्लस देने के लायक। हम लैंड कर चुके हैं। कर चुके हैं, लेकिन मुझे तो मजा आ रहा था, इसमें तो बिल्कुल डर नहीं लगा। मैंने आपसे कहा था उड़ने में वाकई मजा आता है। मेरी मदद करने के लिए थैंक यू पेपा और जॉर्ज। अब मैं घर के लिए जल्द से जल्द उड़ान भरना चाहती हूँ।
पेपा और उसकी फैमिली कार में बाहर जा रही है, पर उन्हें थोड़ी मुश्किल आ रही है। अरे बाप रे, कार स्टार्ट ही नहीं हो रही। आपकी गाड़ी बिगड़ गई है, परेशान ना हो, मैं आपको गैरेज ले जाऊंगा। मैं यूं गया और यूं आया। मिस्टर बुल कार को ठीक करवाने के लिए उसे खींच कर ले जा रहे हैं। जॉर्ज और पेपा को खींचा जाना पसंद है। अरे रे, समझ गया। सुनिए, हम इसे ठीक कर सकते हैं। अच्छा, पर हमें नया पुर्जा मंगवाना पड़ेगा, और ये काम ना ही आसान है ना ही सस्ता। अरे रे, इसमें कितना समय लगेगा? जितना टाइम लगना है उतना तो लगेगा ही। लेकिन मैं काम पर कैसे जाऊं? जब तक आपकी गाड़ी ठीक हो रही है, आप कोई भी गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए मेरे साथ। गैरेज में काफी एक्स्ट्रा कार्स हैं। अपनी मनपसंद चुन लीजिए। ओह, एक मोटर बाइक, ये तो बेहतरीन है। चलो इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं। डैडी पिग को मोटर बाइक चलाना अच्छा लगता है। हेलो। लेकिन मोटर बाइक पर आप बारिश में भीग जाते हैं। शायद हमें कोई और जबरदस्त चीज चाहिए। चलिए इसे आजमाते हैं। पेपा को एक मॉन्स्टर ट्रक मिला है जो बहुत जबरदस्त है। मुझे लगता है कि ये मॉन्स्टर ट्रक हमारी जरूरत से कुछ ज्यादा ही जबरदस्त चीज है। माफ कीजिएगा, किसी अच्छी और बड़ी चीज के बारे में क्या ख्याल है? जैसे बस। मम्मी पिग को बस बहुत पसंद है। ये बस कितनी बड़ी है और कितनी शांति है यहाँ। अरे रे, लेकिन सभी को लगता है कि ये असली बस है। पेपा और उसकी फैमिली के पास अब एक ही कार बची है ट्राई करने के लिए। इससे बदबू आ रही है, क्योंकि ये मेरी रिसाइकल इकट्ठा करने वाली लॉरी है। माफ कीजिएगा, आप इसे नहीं ले जा सकते। मुझे नहीं लगता कि हमें हमारी कार की तरह कोई बेहतरीन कार मिल पाएगी। आप तो लकी हो, आपने नई कार चुनने में इतना समय लगाया कि हमने आपकी पुरानी कार को ही ठीक कर दिया। शुक्रिया मिस्टर बुल, शुक्रिया ग्रैंडडैड डॉग। पेपा की फैमिली को अलग अलग कार चलाना अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें अपनी फैमिली कार चलाना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। आज क्रूज रुका हुआ है एक टापू पर, इसलिए पेपा और ग्रैनी पिग निकले हैं सर्फिंग करने, लेकिन लहरें हैं ही नहीं। सारी लहरें कहाँ चली गई? ऐसा लगता है आज सर्फिंग के लिए पानी में उतनी लहरें नहीं है। पेपा, अगर आप चाहें तो आप सीपिया इकट्ठा करने में मेरी और जॉर्ज की मदद कर सकती हैं। चमकीला। ओह हेलो एवरीवन। मेरे पास एक छोटी सी पैडल बोट है, आजमाना चाहोगी पापा? पापा पैडल बोट को आजमाने के लिए काफी उत्साहित है। हाँ क्यों नहीं। और ग्रैनी पिग मेरे साथ जेट स्की पर राइड कर सकती है। लेकिन ग्रैनी पिग को नहीं लग रहा है कि मिस रैबिट की जेट स्की पर उन्हें मजा आएगा। पेपा और ग्रैनी पिग ने अपनी सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट्स और हेलमेट्स पहन लिए हैं। अब वो पानी में राइड करने के लिए तैयार है। पेपा की पैडल बोट चलाने के लिए पेडल्स दिए गए हैं। तुम सही कर रही हो पेपा, नाव को आगे ले जाने के लिए पेडल को आगे की तरफ घुमाओ। क्या ये धीरे चलो, चलो। चलो। मेरे लिए रुको। क्या तुम्हें कोई रंग बिरंगी सीपिया मिली है जॉर्ज? ये वाली तो बहुत अच्छी है। बहुत बढ़िया। जॉर्ज को समंदर के तट पर काफी सीपिया मिल रही हैं। इन सीपियो से तस्वीर बनाने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? पेपा को पानी में खूब मजा आ रहा है। लेकिन ग्रैनी पिग को समंदर में डर सा लग रहा है।
जॉर्ज ने सीपियों से डायनासोर बनाया है। डायनासोर। तुम तो बड़े बुद्धिमान हो। अब आंख बनाने के लिए बस एक खास सीपी की जरूरत है। चमकीला। क्या बात है जॉर्ज। मिस रैबिट की लहर से जॉर्ज की सीपियां बहकर फिर से समंदर में चली गई। लेकिन देखो, तुम्हारी खास चमकदार सीपी अब भी यही है। चमकीला। वाह, मुझे रेत वाली डायनासोर की पिक्चर अच्छी लगी जॉर्ज। जॉर्ज की सीपियों से रेत में डायनासोर का आकार बन गया है। डायनासोर। पेपा को बीच पर मजे करना अच्छा लगता है। सभी को बीच पर मजे करना अच्छा। आज पेपा के प्ले ग्रुप में पैनकेक डे मनाया जा रहा है। ये एक आइसक्रीम है। क्या हम और तस्वीरों वाले पैनकेक बना सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। हमें बस चाहिए थोड़ा और पैनकेक मिक्स। पेपा एक कटोरे में आटा डालती है। कैंडी कैट उसमें एक अंडा डालती है। डैनी डॉग दूध डालता है और सूजी शीप सभी चीजों को अच्छी तरह से मिलाती है। मैडम गजेल पैनकेक मिक्स में फूड कलरिंग डालती है ताकि वे रंग बिरंगी तस्वीरों वाली पैनकेक बना सके। पैनकेक को पकाने से पहले हम पैन में अपने पसंद की कोई भी पैनकेक तस्वीर बना सकते हैं। क्या तुम थोड़ा गुलाबी रंग डाल सकती हो सूजी? और थोड़ा यहाँ भी। वाव, ये क्या है? आप क्या बना रही हैं मैडम गजेल? जल्द पता चलेगा। अब पैन बहुत गर्म हो जाएगा, इसलिए आपको थोड़ा सा पीछे हटना होगा बच्चों। पैनकेक बिल्कुल पेपा जैसा दिखता है। मैं हूँ पेपा पैनकेक। और मैं बहुत स्वादिष्ट हूँ। क्या हम अगली चीज रेनबो बना सकते हैं? हाँ बेशक। पेपा और उसके दोस्त रेनबो के सारे रंग डालते हैं। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला। ओ? नहीं, मैंने रेनबो पैनकेक को खराब कर दिया। बिल्कुल नहीं, तुमने नीले रंग से प्यारा सा आसमान बना दिया है। चलो बनाते हैं दुनिया का सबसे बड़ा पैनकेक। अरे वाह! बेकिंग पाउडर देगा हमें एक फुला हुआ पैनकेक। बस थोड़ा सा चाहिए। मैडम गजेल ने कुछ ज्यादा ही बेकिंग पाउडर डाल दिया। पैनकेक बड़ा होते ही जा रहा है। मुझे नहीं लगता हम इसे खा सकते हैं बच्चों। पर ये तो शानदार ट्रैम्पोलिन बन गया है। पेपा को पैनकेक डे पसंद आता है। सभी को पैनकेक डे पसंद आता है। आज पेपा ग्रैंडपा पिग के बगीचे के फूलों के मजे ले रही है। सदा खुश रहो पेपा। ये पीली चीजें क्या है ग्रैंडपा पिग? इसे कहते हैं पराग। बम्बल बीज इसे बगीचे में ले जाती है और फूलों की बढ़त में मदद करती है। थैंक यू छोटी बम्बल बी की मदद करने के लिए। सावधानी से पेपा, बम्बल बीज को हाथ मत लगाना। पर क्यों ग्रैंडपा, ये कितनी रंगीन और प्यारी है। क्योंकि तुम काफी बड़ी हो और बम्बल बी काफी छोटी है।
इसलिए शायद वो डर जाए। और जब बम्बल बी डर जाती है तो वो डंक मार सकती है। सचमुच? हाँ, इसलिए तुम्हें उनसे काफी नरमी से पेश आना चाहिए और उन्हें काफी जगह देनी चाहिए। कुछ लोगों को इनके डंक से एलर्जी भी हो सकती है। पेपा नहीं जानती कि अब उसे बम्बलबीज पसंद है या नहीं, पर बम्बलबीज दुनिया के लिए मददगार और दयालु भी होती है। इन्हीं की वजह से तो हमें शहद मिलता है। मुझे शहद पसंद है। बम्बलबीज छत्ते में शहद बनाती है, जैसे कि ये वाला। क्या मैं देख सकती हूँ? ओ, रुको, छत्ते में काफी बम्बलबीज हैं, इसलिए पहले तुम्हें कपड़े बदलने होंगे। तड़ा, मेरा मतलब है बस बस। पेपा, जॉर्ज और ग्रैंडपा पिग खास तौर पर मोटे कपड़े पहनते हैं ताकि उनके सिर, हाथ और शरीर डंक से बचे रहे। बेहतरीन। ग्रैंडपा पिग पेपा और जॉर्ज को अपने बम्बलबी के छत्ते का एक भाग दिखा रहे हैं। वो सारी बीज उस छोटी से घर में रहती है। हाँ, ये यहीं पर तो जायकेदार शहद बनाती है। बम्बलबीज खाना इकट्ठा करने और एक दूसरे का बचाव करने के लिए एक टीम की तरह काम करती है। जैसे मैं और जॉर्ज, हम भी हैं जैसे बम्बलबीज। बीज जो शहद बनाती है उसका क्या होता है? वैसे हम इसे इस तरह से जार में डालते हैं। ग्रैंडपा पिग एक कांच के जार में ताजा शहद इकट्ठा कर रहे हैं। फिर हम लंच के लिए जायकेदार हनी सैंडविच बनाते हैं। ये अब तक का सबसे बढ़िया सैंडविच है। थैंक यू छोटी बी। पेपा को हनी सैंडविच पसंद है और पेपा को बम्बलबीज उनके दयालु